शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर उस चीज को यानी बारिश को तकसीम करती हैं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और इंसाफ का दिन जरूर वाकई होगा। और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं कि ऐ अहले मक्का, तुम एक इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो, उससे यानी अकीदा आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए। अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा, वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा। अब अपनी शरारत का मजा चखो, ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में होंगे और जो जो नेमतें उनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उन्हें ले रहे होंगे। बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे, रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुबह के औकात में बख्शिश मांगा करते थे, और उनके माल में मांगने वालों और न मांगने वालों दोनों का हक होता है। और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जानों में, तो क्या तुम देखते नहीं? और तुम्हारा रिस्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है, तो आसमान और जमीन के मालिक की कसम ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। ए नबी, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज्जज मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा, देखा तो ऐसे लोग कि न जान न पहचान। फिर वो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया। कहने लगे कि आप तनावल क्यों नहीं फरमाते? और उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, और उनको एक दानिशमंद लड़के की बिशारत सुनाई। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि एक तो मैं बुढ़िया, ऊपर से बांझ। उन्होंने कहा, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत है, खबरदार है। इब्राहिम ने कहा कि फरिश्तो, अब तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे की पत्थरियां बरसाएं, जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। बस वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया, फिर उस बस्ती में हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए हमने वहां निशानी छोड़ दी, और मूसा के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुला हुआ मोजजा देकर भेजा तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा, ये तो जादूगर है या दीवाना। तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको समंदर में फेंक दिया, और वो काम ही काबिल मलामत करता था। और आद की कौम के हाल में भी निशानी है, जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है, जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, बस उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो न तो खड़े रहने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे, और उससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो नाफरमान लोग थे, और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया और हमको हर तरह की कुदरत है, और जमीन को हम ही ने बिछाया तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं। और हर चीज के हमने दो दो जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो, तो तुम लोग अल्लाह की तरफ दौड़ चलो, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास भी जो पैगंबर आता तो वो भी उसको जादूगर या दीवाना कहते। क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत कर मरे हैं? नहीं, बल्कि ये शरीर लोग हैं। तो ऐ नबी, इनसे मुंह मोड़ लो, तुमको हमारी तरफ से मलामत न होगी, और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं उनसे रिस्क तो नहीं मांगता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो सबको रिस्क देने वाला है, जोर आवर है, मजबूत है। सो कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है, जिस तरह इनके साथियों की नौबत थी। तो इनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए,
फिर जिस दिन का इन काफिरों से वादा किया जाता है उससे इनके लिए खराबी है।